हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर, नाइन्थ क्लास और सिविक्स। इसकी हेडिंग है व्हाट इज डेमोक्रेसी। जैसे कि चैप्टर में बताया है, आपसे बात ही ये करी जाएगी इस चैप्टर के अंदर, व्हाट इज डेमोक्रेसी, जो आप प्रीवियस क्लासेस में मेनी टाइम्स रीड भी कर चुके हो। व्हाई डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों है और डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी तो आपको पता ही है, लोकतंत्र होता है, और इसकी जनरल सी डेफिनेशन भी पता है कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी जनता की सरकार, जनता द्वारा और जनता के लिए बनाई गई सरकार। तो ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशंस आप रीड कर चुके हैं, व्हाई डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी की जरूरत क्या है। थोड़ा सा हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे इस लेसन में एग्जाम्पल के साथ, चाहे वो कोई कंट्री है, चाइना है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, तो इन सब कंट्री को अगर हम डिस्कस करेंगे तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये कंट्री डेमोक्रेसी है। यानी अब हमें डेमोक्रेसी तो पता है, लेकिन अभी हमें ये फाइंड आउट करना है क्या इसके अंदर, इन कंट्रियों के अंदर डेमोक्रेसी के रूल जो है वो सेटअप होते हैं, और डेमोक्रेसी के रूल होते क्या हैं, तो हम उसको पढ़ेंगे। अगर हम पढ़े व्हाट इज डेमोक्रेसी, यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप अलग अलग गवर्नमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग मेंशनिंग अ न्यू एग्जांपल्स, राइट डाउन सम कॉमन फीचर्स। जो अभी तक आपने समझा है कि डेमोक्रेसी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के एग्जाम्पल लिखिए, और उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए आपको बोला है कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक में क्या डिफरेंस है, यानी आप कैसे कहोगे कि ये डेमोक्रेसी और कैसे कहोगे नॉन डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे आपको इसको एक क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, सेकंड क्वेश्चन है, इन दोनों में डिफरेंस बताओ कि अगर ये डेमोक्रेसी है तो वो नॉन डेमोक्रेसी कैसे है, तो दोनों में हमें आपको डिफरेंस बताना है। इसमें पूछा है व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी, अब हमें डेफिनेशन देने की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें तो डेफिनेशन पता है और हम उस चीज को पढ़ भी चुके हैं। जैसे कि अभी डेफिनेशन में बताया है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये हमको इजिली लर्न है, तो हमें डिफाइन करने की जरूरत क्या है अभी डेमोक्रेसी को, और जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उसी के बारे में हम क्वेश्चंस करेंगे। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आगे चलने की से पहले हम कुछ ऐसे नोट हैं जो इसमें मैरी ऑब्जेक्शन करती है जब उसको टीचर पढ़ा रही होती है। तो मैरी है स्टूडेंट जो एक क्वेश्चन रेज करती है, ऑब्जेक्शन करती है कि मैम शी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी, हमें इस तरीके से डेमोक्रेसी को डिफाइन नहीं करना चाहिए, एंड वॉन्ट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चन हर टीचर्स, जो कि वहाँ की टीचर है मतिलादा और लिंगदो। तो जो ये इनकी टीचर हैं उनसे वो बोलती हैं कि क्वेश्चंस करती हैं, जो उसके रिस्पांस देती हैं, ये उसका डिस्कशन दे रखा है कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन है जो लिंगदो करती हैं जो अपने स्टूडेंट के। तो वो पूछती है मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हम डेमोक्रेसी को डिस्कस करें और फाइंड आउट करें डेमोक्रेसी, और तो फिर लॉजिकली शुड नॉट बी हैव अप्रोच इट अदर वे राउंड, ये बिल्कुल भी क्या करेक्ट है। Shouldn't the meaning have come first and then the example? यानी पहले हम उसका meaning समझें and उसके बाद हम उसके example set करें। तो ये हमें नहीं समझ आ रहा कि भाई हम पहले definition word की definition जो होती है संसार के सभी, उससे compare करें, उसके बाद हम उसकी definitions को ढूंढें। तो ये मुझे नहीं समझ आया कि हम पहले compare करें दूसरे देशों के साथ, उसके बाद हम उसकी definition set करें। तो फिर जो लिंगदो मैडम है वो कहती हैं कि आई कैन सी योर पॉइंट, मैंने समझ सकती हूँ आपके पॉइंट को, बट इज़ नाउ रीज़न इन एवरीडे लाइफ, लेकिन बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं हमारी लाइफ के अंदर जो हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते। जैसे कि अगर हम पैन, रेन, लव ये वर्ड को देखें, तो क्या हम इसके जो वर्ड हैं डेफिनेशन की इनकी ज़रूरत है, डेफिनेशन से पहले हमने इनको यूज़ करा, यानी पहले हमने इसको क्या करा, यहाँ डेफिनेशन की जरूरत नहीं थी। जैसे कि यहाँ पे मैम ने बोला है, सेम वही बताया है कि डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए क्लियर है कि डेफिनेशन से पहले ही हम कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको समझ जाते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैरी कहती है तो व्हाई डू वी नीड डेफिनेशन, जब हम समझ ही चुके हैं तो हमें डेफिनेशन की क्या जरूरत है।
तो लिंगजो मैम कहती है कि डेफिनेशन ओनली व्हेन कम अक्रॉस अ डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ वर्ड, जब हमें किसी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आता है, हमें डिफिकल्ट होता है उसको अंडरस्टैंड करने में, या फिर हम कंपेयर करते हैं किसी चीज को, तब हमें डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है, तो डिस्टिंग यूज करते हैं। तो जैसे कि आप ड्रिजल एंड क्लाउड ब्रस्ट, जब हम किस रेन को कंपेयर करें इनके साथ, तो हमें डेफिनेशन रेन की जरूरत पड़ेगी डिफाइन करने की, अदरवाइज हमें रेन तो पता ही है, लेकिन रेन की डेफिनेशन जब हम इनके साथ कंपेयर करते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है डेमोक्रेसी की भी, इसीलिए हमें क्लियर है पर्पस की डेफिनेशन की क्यों जरूरत है। तो इसी में एक स्टूडेंट है रिबंग, और उसके बाद रिबंग जो बोलता है रिबंग के मैम के हमें डेफिनेशन की नीड क्यों है, क्योंकि जो हमने पिछले इब्राहिम लिंकन के उसमें पढ़ा हुआ है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो डेफिनेशन तो हमने कर ली, तो अब हम क्यों डेफिनेशन पढ़े। और वी इज मेघालय ऑलवेज रूल ओवर सेल्फ, और जिस तरीके से हमने देखा कि उसमें रूल है मेघालय का खुद का उस पर, एंड एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, सब उसको स्वीकार भी कर रहे हैं, तो व्हाई डू वी नीड चेंज दैट, तो हम इसको चेंज क्यों करें मैम, आती तो है हमें डेफिनेशन, तो क्वेश्चन करते हैं। तो लिंग तो मैम कहती हैं कि आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट, मैंने ये नहीं कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है उसको, हम नहीं है ज़रूरत, आई टू फाइंड डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल, और हम जो डेफिनेशन पढ़ चुके हैं वो भी ठीक है, एंड बेस्ट वे ऑफ डिफाइन अनलेस वी थिंक अबाउट इट अवर सेल्फ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारे पास डेफिनेशन है वो बेस्ट है, उसके अलावा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो बिकॉज इट फेमस जस्ट बिकॉज एवरी वन एक्सेप्ट इट, इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सबने उसको डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया और वो बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब वही बेस्ट है और उसके अलावा कोई डेफिनेशन नहीं है। फिर इसमें बोला है कि योलांदा है जो मैम से बोलती है मैम कि अगर हमें डेफिनेशन की ज़रूरत है, वी डोंट नीड, हमें तो ज़रूरत है नहीं, आई रीड समवेयर वर्ड डेमोक्रेसी कम फ्रॉम ग्रीक, हमें तो पता है मैम ये ग्रीक वर्ड है डेमोक्रेसी, और वहाँ से ग्रीक में डेमो का मतलब पीपल बताया, क्रेशिया का मतलब रूल बताया, तो हमें तो पता है मैम इसका मीनिंग भी, रूल बाय द पीपल भी पता है, तो ये करेक्ट है मीनिंग, तो व्हाई डू वी नीड डिबेट, तो आज हम डिबेट क्यों कर रहे हैं इसके बारे में। तो लिंगोदा मैम भी कहती हैं कि दैट इज़ वेरी हेल्पफुल थिंकिंग अबाउट दिस मैटर, हम इस मैटर पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थिंकिंग रख सकते हैं। स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम वर्क कर रहे हैं हमेशा ज़रूरी नहीं होता वो आज जो कर रहे हैं वो आगे भी सही होगा, यानी ओरिजिन जो एक्चुअली में ओरिजिन होता है, जो उसका मीनिंग होता है, आगे चल के चेंज ना हो ऐसा नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है। जैसे कि कंप्यूटर उसकी ओरिजिनली हुई थी क्या कंप्यूटिंग की कैलकुलेटिंग को लेके, और उसको डिस्क्राइब भी किया जाता था कि वो फास्ट सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिंग के लिए है एंड डिफिकल्ट मैथमेटिकल सम्स को सॉल्व कर सकता है सेकंड में, लेकिन बहुत पावरफुल उसके कैलकुलेटर्स हैं। लेकिन अगर आज हम देखें कंप्यूटर को तो सिर्फ वो सिर्फ यही नहीं करता, जबकि बहुत सारे ऐसे काम है, राइटिंग, डिजाइनिंग, लिसनिंग, म्यूजिक, फिल्म बनाना, ये बहुत सारे काम वो ईजिली कर सकता है। तो वर्ड रिमेन का मतलब ये नहीं कि जो आज हमने मीनिंग था वो कल भी वही रहेगा या उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये हमें इसके अंदर देखना है कि ओरिजिन वर्ड हमेशा चेंज भी हो सकता है, यूजफुल के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर लेते हैं जैसे यूज करते हैं। मैरी मैम बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग, आप क्या कहना चाहते हो, नो शॉर्टकट टू अवर थिंकिंग अबाउट द मैटर अवर सेल्फ, क्या कोई शॉर्टकट नहीं है जो हमारी सोच का है, तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट मीनिंग इवॉल्व अ डेफिनेशन, तो हमें उसकी डेफिनेशन को ही समझना पड़ेगा। लिंगोदा मैम कहती हैं यू गॉट मी राइट, आप सही समझे कि हमें सिर्फ उसका मतलब समझना ही ज़रूरी नहीं होता, उसके उसके डेफिनेशन, उससे रिलेटेड डीपली उस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज गैट करना ज़रूरी है, इसीलिए आज हम इस लेसन को दोबारा पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी डेमोक्रेसी का मीनिंग पता है, डेफिनेशन पता है, लेकिन एग्जैक्टली उसको हम कितना समझते हैं वो चीज़ आज हम इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कि सच में ही ये डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेसी नहीं है, आप कैसे करेंगे। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, के इसमें बोला है कि किस तरीके से, सिंपल डेफिनेशन है, लेट अस बैक वर्क डिस्कशंस सिमिलरिटी और डिफरेंस अमंग गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट के अंदर अगर हम उसके डिफरेंसेस को देखें, सिमिलरिटी को देखें, तो हम कह सकते हैं कि
डेमोक्रेसीज हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें कि सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल, भाई सीधी सी बात है, ये तो हमें पता ही है कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, कि भाई जो लोगों द्वारा चुनी जाती है और बनाई जाती है, ठीक है। जैसे डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, भाई अगर जो रूलर है जो वहाँ पे रूल कर रहा है, जो उस टाइम पे गवर्नमेंट है जिसकी, यहाँ पे एक इसी डेफिनेशंस के अंदर स्टूडेंट इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको समझना है। हम देखने में हमें ये सिर्फ एक लाइन लग रही है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूलर्स बाय द पीपल इलेक्टेड, ये फोर वर्ड्स हैं जिससे फोर सेंटेंसेस बनते हैं। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी किसकी सरकार होगी, रूलर यानी कौन रूलर है जो कि सरकार पे चलाएगा, इलेक्टेड कैसे होगा, कौन करेगा, बाय द पीपल यानी पीपल्स को, क्या सभी पीपल्स को राइट है वोट डालने का। तो डेमोक्रेसी एक ये फोर वर्ड पे डिपेंड करती है। किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी को अगर हमें जानना है कि भाई ये कंट्री डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी है या नॉन डेमोक्रेसी है, तो उसके लिए हम ये फोर वर्ड को पहले फाइंड आउट करते हैं उस कंट्री के अंदर कि इसके अकॉर्डिंग वो कंट्री रूल कर रही है, वो चल रही है, वो गवर्नमेंट की फॉर्म में है या नहीं है। तो आपको अगर ये माइंड में रहेंगे, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूलर्स, इलेक्टेड और पीपल, ये फोर वर्ड अगर आपके माइंड में रहेंगे तो आप इजिली सेटअप कर सकते हैं किसी भी कंट्री में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो फेक है, अपने आप को डेमोक्रेटिक बताती हैं कि हम तो डेमोक्रेसी हैं, लोकतंत्र है, लेकिन ऐसा आप देखोगे डीपली उसको रीड करके भी वो डेमोक्रेसी है ही नहीं, अपने आप को डेमोक्रेसी बता रही है लेकिन वो डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये आपको पता कैसे चलेगा, ये फोर वर्ड हैं, अंडरलाइन कर लीजिए, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूलर्स, इलेक्टेड, बाय द पीपल, ये ऐसे वर्ड हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो कंट्री डेमोक्रेसी और नहीं है। दिस इज द यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट, ये बहुत यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट है। डेफिनेशन अलाउज द सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम गवर्नमेंट, दूसरी गवर्नमेंट से हमें ये सेपरेट करता है और हमें ये जज करने में हेल्प करेगा, क्लियरली बताएगा कि वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है। द आर्मी रूलर ऑफ म्यांमार के एग्जाम्पल से देखें कि वहाँ पे आर्मी रूल करती है, वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, लेकिन वहाँ इलेक्टेड तो नहीं होता ना पीपल द्वारा। तो इस एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि म्यांमार में अगर आर्मी रूलर्स हैं, यानी आर्मी जो वहाँ पे रूल चला रही है, रूलर है जो मेन वहाँ पे अपनी सरकार चला रही है, तो इलेक्टेड तो नहीं है पीपल द्वारा। दोज हु हैपन टू बी कंट्रोल बाय द आर्मी बिकॉज द रूलर ऑफ द कंट्री, क्योंकि वो तो कंट्री के रूलर्स हैं। जबकि हमने यहाँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या सीखा हुआ है कि रूलर जो होते हैं वो इलेक्टेड किए जाते हैं पीपल के द्वारा, यानी जो पीपल अगर इलेक्टेड नहीं करते तो इसका मतलब वो डेमोक्रेसी तो नहीं है। तो यहाँ पे जो पीपल्स द्वारा इलेक्टेड नहीं किए जा रहे हैं, हैपन टू बी कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकम द रूलर ऑफ द कंट्री, तो हम पीपल हैड सो से इन दिस डिस्कशन में अगर हम बात करें तो हमें पता चल जाता है कि भाई वो म्यांमार के एग्जाम्पल से कि वो डेमोक्रेसी नहीं है। अगर अच्छा हम एक एग्जांपल, अभी वो चैप्टर फर्स्ट में ऑलरेडी जो डिडक्ट हो गया है लेकिन अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसमें भी ये चीज़ें बता रखी हैं कि जो पिनोशे है वहाँ पे चिले की, चिले में जो पिनोशे की है इलेक्टेड बाय द पीपल डिक्टेटर तानाशाही आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, वहाँ पीपल के द्वारा इलेक्टेड नहीं है, तानाशाही सरकार है पिनोशे की चिले में। और दूसरा अप्लाई टू मोनार्कीज, वहाँ पे मोनार्कीज अप्लाईज है, किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज वहाँ पे भी रूल जो है सऊदी अरेबिया में डेमोक्रेसी नहीं है, पीपल हैव चूजन दैम टू डू सो बट बिकॉज दे हैपन टू बी बोर्न इन टू द रॉयल फैमिली, वहाँ ऑलरेडी वो सऊदी अरेबिया में जो रूल करते हैं वहाँ पे जो ऑलरेडी रॉयल फैमिली में होते हैं, जिनका जन्म होता है वो ही रूल करते हैं, तो यहाँ पे पीपल्स ने कहा चुना। तो दोनों एग्जाम्पल में जो पिनोशे की डिक्टेटर है, जहाँ पे मोनार्कीज यानी राजाओं का प्रशासन चलता है, प्रजातंत्र चलता है, वहाँ पे आपने देखा कि भाई लोगों ने तो सरकार नहीं चुनी, सऊदी अरेबिया में लोगों ने सरकार नहीं चुनी। तो इस डेफिनेशंस को स्टूडेंट्स आपको ये बार बार सेटअप करना है कंट्रीज के अंदर, चेक करना है कि डेमोक्रेसी का हमें पता कैसे चलता है। अभी आप बार बार देख रहे हैं कि जहाँ पे पीपल द्वारा सरकार नहीं चुनी जाती है, इलेक्ट नहीं होती है, तो हमें इजीली पता चल जाता है कि वो डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर हम बोलें ये क्या डेफिनेशन इनफ है, अगर हम बात करें तो ये एडिक्वेट है कि हाँ भाई बस ये बस हम देखें कि भाई बाय द पीपल, अगर पीपल द्वारा ही बस नहीं होगी तो हम ये कह सकते हैं कि बस वो डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी नहीं।
डेमोक्रेसी इज पीपल रूल, ये हम मानते हैं, बट वी हैव द डेफिनेशन अनथिंकिंग मैनर, लेकिन हम इसी के बेस पे डिक्लेयर कर दें वो डेमोक्रेसी नहीं है या डेमोक्रेसी है, तो ये रॉन्ग होगा. वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड एन इलेक्शन अ डेमोक्रेसी, क्योंकि आपको पता है भी इलेक्शन भी होते हैं हर कंट्री के अंदर, तो हम सिर्फ ये इसी के बेस पे तो हम किसी को डेमोक्रेसी नहीं कह सकते ना, जबकि मैंने आपको बताया है फोर फैक्टर हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूलर्स, इलेक्टेड एंड पीपल. ये फोर फैक्टर्स होने चाहिए जबी तो हम कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी है नॉन डेमोक्रेसी. सिर्फ इसके बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि पीपल्स अगर रूल कर रहे हैं, पीपल द्वारा अगर वो नहीं इलेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो डेमोक्रेसी नहीं है. तो यानी इसको हम ब्रीफली ये भी देखना पड़ेगा कि इलेक्शन डेमोक्रेसी में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग अगर सिर्फ हम इसी बेस पे कहें कि बस इलेक्शन है, एंड ऑफ कॉलिंग ऑलमोस्ट वेरी गवर्नमेंट होल्ड द इलेक्शन डेमोक्रेसी, तो क्या वो डेमोक्रेसी हो जाएगा? नहीं. ये हम मिसलीड कर रहे हैं कि सिर्फ एक वर्ड पर, इलेक्टेड पर या बाय द पीपल के वर्ड पर अगर हम कह दें डेमोक्रेसी या नॉन डेमोक्रेसी. नहीं, हमें ये फोर वर्ड्स कंडक्ट करने हैं, फोर के फोर. दैट वुड बी मिसलीडिंग एंड सेल्फ फाइंड आउट. चैप्टर थ्री में हम इन चीज को डीपली पढ़ेंगे. एवरी गवर्नमेंट इज कंटेम्प्ररी वर्ड वॉन्ट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी. हर कोई अपने आप को ना डेमोक्रेसी बताना चाहता है, कोई भी कंट्री क्यों ना हो. इवन इफ इट इज नॉट सो, चाहे वो हो या ना हो, वो अपने आप को क्या बोलना चाहते हैं? डेमोक्रेसी. दैट इज वाई इसीलिए स्टूडेंट हमें केयरफुली डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस बताना है गवर्नमेंट्स के बीच में, दैट इज डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड टू बी वन, कि वो डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेसी का थोड़ा अपने आप को प्रिटेंड करने की कोशिश की गई है कि हम डेमोक्रेसी हैं. वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग. और हम ये कब कह सकते हैं? जब हमको समझ आएगा, जब हमें पता चलेगा डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या है डेमोक्रेसी की, जबी तो आप सेट कर सकते हो. तो डेफिनेशन केयरफुली आप स्पेलिंग आउट एंड फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ आपको सेटअप करना है, और इस डेमोक्रेसी के फीचर्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे. जैसे कि 1.2 फीचर ऑफ डेमोक्रेसी में यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको देखना है, जैसे मैंने भी आपको बताया हमें क्या फाइंड आउट करना होता है इस डेफिनेशंस के अंदर. यानी डेमोक्रेसी को हमें सेटअप करना है, तो हम कैसे सेटअप करें? रूलर. सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन रूलर, यानी ऑफिशियल जो इलेक्टेड हुए हैं गवर्नमेंट के लिए डेमोक्रेसी के लिए कौन है, विच ऑफिशियल, वो ऑफिशियल्स कौन है. एंड डिसीजन में भी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इज डेमोक्रेसी, और नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स कौन है, तो ये हमें सबसे पहले देखना होता है. रूलर कौन है, यानी जो एक तो ऑफिशियल हो गया, नॉन इलेक्टेड हो गया, यानी एक तो उसको इलेक्टेड किया जा रहा है, दूसरा जो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल है. तो रूलर्स कौन है, पहले फर्स्ट हम इस डेफिनेशन को ये देखेंगे. सेकेंड में देखेंगे इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूट डेमोक्रेसी, इलेक्शन हो रहे हैं उस कंडीशन में, फुलफिल इलेक्शंस कंसीडर हो रहे हैं डेमोक्रेटिक के अकॉर्डिंग, क्या इलेक्शन हो रहे हैं. अब है नेक्स्ट है द पीपल. पीपल देखेंगे कि इलेक्ट रूलर टू गेट इलेक्टेड एज रूलर, क्या पीपल जो जिनको ये राइट मिला हुआ है रूलर्स को इलेक्ट करने का, क्या वो कर रहे हैं. एंड शुड दिस इंक्लूड वेरी सिटीजन ऑन इक्वल बेसिस, क्या सबको इक्वल राइट्स मिला हुआ है. कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन हिज राइट, क्या वो डेमोक्रेसी कुछ सिटीजन्स के राइट्स को डिनाई इनकार कर सकती है. तो हमें ये रूलर्स देखना है, इलेक्शन देखना है, पीपल्स देखने हैं, फाइनली हमें देखना है व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किस तरीके की सरकार बनी हुई है. क्योंकि आपको पता है मैनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, डिक्टेटर है, डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है ये हमें देखना है. इलेक्टेड रूल डू वट एवर दे, चाहे यहाँ पे कोई भी है, कौन सा रूल है, वॉन्ट अ डेमोक्रेसी के अंदर के इलेक्टेड रूलर डू वट एवर, वो कुछ भी करें इलेक्टेड कर सकते हैं. एंड और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स, क्या उसकी फंक्शंस की डेमोक्रेसी गवर्नमेंट्स में कुछ लिमिट्स होती है. इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेटिक रिस्पेक्ट सम राइट टू सिटीजन, क्या डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन्स की राइट को रिस्पेक्ट दी जाती है. लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन, फाइंड आउट द एग्जाम्पल. हम इस एग्जाम्पल के थ्रू स्टूडेंट इसको सेटअप करने की कोशिश करेंगे. हम नेक्स्ट वीडियो में ये समझेंगे एग्जाम्पल ब्रीफली. सिर्फ फर्स्ट वीडियो में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं. अब हम उसको एग्जाम्पल में सेटअप करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी कि एग्जाम्पल के थ्रू, कंट्रीज के थ्रू, क्या आप इस कंट्री को डेमोक्रेसी कह सकते हैं इन फोर
वर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या ये डेमोक्रेसी है या नहीं, सिर्फ हमें ये समझना है। तो फर्स्ट वीडियो में दो ही फीचर्स क्या है इसकी, एक सिंपल सी डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी में डिफरेंस बताना है, सिर्फ आपको इसमें यही अंडरस्टैंड करना है। और आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूंगी नेक्स्ट कंट्रीज के अकॉर्डिंग कि भाई ये हो रहा है सिचुएशन फिट या नहीं हो रहा। थैंक यू।